हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सन एकेडमी। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक की। तो इंटर की जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है वो कब तक आ जाएगी मार्केट में और आपको कैसे मिल सकती है ये बुक, और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, खासतौर पर कौन से चैप्टर्स जो पुरानी बुक में हैं वही होंगे, सेम होंगे, और कौन से डिफरेंट चैप्टर्स न्यू बुक में आएंगे। तो ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। और हाँ, इसी न्यू बुक के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी चलते हैं हमारे इन चैप्टर्स पर कि सेकेंड ईयर की न्यू बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं। तो कंटेंट्स में देखें, हमारे पास 13 से ये चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं। 13 चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है, 13 चैप्टर, इसमें जो है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसके अंदर हम पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे। तो जनरल ट्रेंड इनका क्या है ये डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना है। इसके रिएक्शंस होंगे, बहुत ही सिंपल से रिएक्शंस होंगे। पहले जो डिफिकल्ट रिएक्शंस होते थे वो अभी उनको निकाल दिया गया है, और इसमें जो है वो सिंपल रिएक्शंस जो है वो दिए गए हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद इसके अंदर कास्टिक सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में भी स्टडी होगी इस चैप्टर में। उसके बाद एक और चैप्टर है जो 14 है, जिसके अंदर हमें केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ये हमारे पास शामिल होगा 14 चैप्टर में। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी, IUPAC नेमिंग होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में है, और कॉपर इंडस्ट्रीज के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगी। तो ये जो 14 चैप्टर है ये हमारे पास सेम वही पीरियडिक टेबल से ही वही चैप्टर है, लेकिन पहले हमारे पास पीरियडिक टेबल से बहुत सारे चैप्टर्स थे। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पीरियडिक टेबल पे ही मुश्तमिल थी, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो पीरियडिक टेबल पे हैं। उसके बाद सीधा हमारी 15 चैप्टर में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट हो जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर जो 15 चैप्टर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, होमोलोगस सीरीज आ जाती है, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये बेसिक से जो टॉपिक हैं जो पुरानी बुक में भी अवेलेबल थे, तो ये इसी में होंगे। उसके बाद कुछ नए टॉपिक्स भी आएंगे जैसे कि बकी बाल्स, फॉसिल फ्यूल्स, पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस एंड बायोटेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स इसके अंदर शामिल होंगे। 16 चैप्टर की बात करें तो 16 चैप्टर के अंदर हमारे पास पूरा नोमेनक्लेचर आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर जो है हमें पुरानी बुक में हम कैसे पढ़ते थे, जो भी आता था, जो भी चैप्टर है उसके हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर हम उसी चैप्टर में पढ़ते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या आ रहा है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो पूरा एक ही चैप्टर के अंदर कंबाइन होकर आ गया है। जैसे कि अल्केन का नोमेनक्लेचर, अल्कीन और अल्काइंस का, अल्कोहल, फेनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईस्टर और ईथर, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इन सभी का नोमेनक्लेचर एक ही चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर्स आ रहे हैं, जो 17 चैप्टर है, इसके अंदर हमें हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है यहाँ पर। उसके बाद स्ट्रक्चर इनका अल्कीन, अल्काइन और अल्काइन का जो स्ट्रक्चर है इसको भी इसी चैप्टर में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। इनके बेसिक से रिएक्शन भी इसी चैप्टर में देखे जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास बेंजीन है उसकी प्रिपरेशन और उसका स्ट्रक्चर का टॉपिक भी इसी चैप्टर में शामिल होगा। आइसोमेरिज्म का भी जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी इसी हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में आ जाएगा। उसके बाद 18 चैप्टर जो है ये आपका सीधा 8th चैप्टर सेम होगा, जैसे 8th चैप्टर था यहाँ पर वही सेम है, अल्काइल हैलाइड्स और इसके अंदर अमाइंस भी शामिल होंगे। यहाँ पर सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स को और उसके रिएक्शंस को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उनको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो अमाइंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 19, और चैप्टर नंबर 19 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है, इसका नाम है अल्कोहल, फिनोल और ईथर।
इसके अंदर हमें जो टॉपिक्स मिलेंगे वो है अल्कोहल, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद फिनोल होगा, फिनोल की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स। उसके बाद ईथर, उसकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर, और साथ में इनके कुछ रिएक्शंस भी इसी चैप्टर में शामिल होंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 जो है उसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमें पढ़ने को मिलेंगे, जो है एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम जो है इसके अंदर कुछ टॉपिक होंगे जो है एल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और कुछ रिएक्शंस होंगे एल्डिहाइड के। कीटोन होगा, उसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस होंगे, और कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट टेस्ट इसके अंदर शामिल होंगे। चैप्टर नंबर 21 जो है ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर इसकी जो हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, और इसके डेरिवेटिव होंगे। और डेरिवेटिव में क्या होगा, जैसे कि एस्टर है और एसाइल क्लोराइड है और हमारे पास अमाइड है, ये सारे इसके डेरिवेटिव हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। उसके बाद है चैप्टर नंबर 22, और ये है बायोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री जो आप फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं बायोलॉजी में, तो वही सेम होगी, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं और लिपिड्स और प्रोटीन्स और साथ में मिनरल्स हैं, विटामिन्स यहाँ पर नहीं है और न्यूक्लिक एसिड भी यहाँ पर नहीं है। तो ये कुछ चार टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर चैप्टर के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 23, जिसके अंदर एक नया, बहुत ही नया ये चैप्टर है, और ये है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये एक नया चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। लास्ट के जो तीन चैप्टर हैं ये तीनों नए चैप्टर हैं, इस बुक नई बुक में इंक्लूड किए गए हैं। इसके अंदर आपको बहुत ही नए टॉपिक यहाँ पर स्टडी करने को मिलेंगे, जैसे कि नायलॉन प्रिपरेशन क्या है, और इसके अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, पीवीसी, और इसकी प्रिपरेशन को जो है वो स्टडी करना है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, एडेसिव क्या होते हैं, कॉस्मेटिक क्या होती है, जो नेल पॉलिश वगैरह होती है ये कैसे बनती है, इनकी प्रिपरेशन, ये सारी इसके अंदर आपको टॉपिक्स मिलेंगे पढ़ने को। उसके बाद के जो दो आपके पास चैप्टर हैं वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, 24th चैप्टर, और 25th में है स्पेक्ट्रोमेट्री। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ये क्या है, और ये दो चैप्टर दोनों ये नए चैप्टर हैं। इसके अंदर आपको ये ट्रोपोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ये स्टडी करने को मिलेगा। ये दोनों जो है वो ये हमारे एटमोसफेयर की लेयर्स होती है, तो इनको स्टडी करेंगे। और एसिड रेन क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, वाटर पोल्यूशन और वाटर ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, और उसके बाद जो हमारे पास है विजिबल इंफ्रारेड और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। और बहुत ही अच्छा बुक जो है वो ये डिज़ाइन किया गया है, और इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक, और तीन जो चैप्टर्स हैं लास्ट वाले स्पेशली ये बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो इससे आपको बहुत ही नया कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी बुक ये बनाई गई है, पुरानी बुक से बहुत ही अच्छी है। और इसके अंदर आपको देखें यहाँ पर बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी यहाँ पर चैप्टर्स मिल रहे हैं और इनऑर्गेनिक के भी मिल रहे हैं। यहाँ पर दो चैप्टर शुरू में जो है वो इनऑर्गेनिक के हैं, उसके बाद ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें आ जाती हैं, और लास्ट में जो तीन चैप्टर्स हैं ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये बुक आपको कब तक आएगी मार्केट में और आप कब ले सकते हैं। तो एक्चुअली में इसकी जो है वो अभी तक सही से डेट नहीं बताई गई है, लेकिन ये आपको सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपको ये मिल सकती है। तो आप सितंबर के फर्स्ट वीक में आप इस बुक को ले सकते हैं, और यहाँ पर आपको इस चैनल पे भी इसके लेक्चर्स मिलेंगे, और इस चैनल पे आपको इत्तला किया जाएगा कि ये बुक आ चुकी है, आप जाके ले सकते हैं। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आप इस बुक को हासिल कर सकते हैं, आपकी मार्केट में आ जाएगा, वहां से आप इसको बुक को खरीद सकते हैं। उसके बाद इस बुक के अगर आपको लेक्चर्स चाहिए इन पूरे टॉपिक्स के, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे इसी बुक के। तो उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसकी कुछ बुक की, नई बुक की नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।